हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दृष्टि पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आई टीच मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 6। टुडे आई टीच सम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। सो फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2। इफ देर आर any of the even numbers, that is 0, 2, 4, 6 and 8 at the end of the digit, then it is divisible by 2. Okay, this is similar to even numbers. Any number that can be exactly divided by 2 is called as an even numbers. Even numbers always end up with the last digit as 0, 2, 4, 6 or 8. For example, check whether the numbers 63 and 240 are divisible by 2 or not. So first, the last digit of 63 is 3, okay? 63 ka last digit number kya hai? 3. But 3 is a odd number, so 63 is not a divisible by 2. Because divisibility by 2 ki definition kya hai? If there are any of the even numbers, that is 0, 2, 4, 6 and 8 at the end of the digit, then it is divisible by 2. कोई भी number का last digit क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 and 8 हो, तो ही वो number divisibility by 2 हो सकता है. But here, 63 का last digit number क्या है? 3. So, 63 is not divisible by 2. Second, the last digit of 240 is 0. Here 240 ka last digit kya hai? 0 hai, okay? That is even numbers. So 240 is divisible by 2. Because again, last digit number kya honi chahiye? 0, 2, 4, 6 and 8, okay? Aur yahan kya hai hamara? 0. So 240 is divisible by 2. For example, here 24, chalo 24 ka last digit number kya hai? 4, okay? So 24 is divisible by 2. Second, 636, okay? Chalo, iska last digit kya hai? 6 hai. So this number is also divisible by 2. Third, 7878, okay? Last digit kya hai? 8, okay? 8 is a even number, so this number is also divisible by 2. 5000, okay? Here last digit kya hai? 0 hai, okay? So 5000 is divisible by 2. Fifth, 2024, so last digit is 4, so this number is also divisible by 2. Next, 782, last digit 2, so this number is also divisible by 2. 6810, last digit 0, so divisible by 2. And last, 6836, here last number is 6, so 6 is a even number, so this number is divisible by 2. Okay, here all numbers last digit of 0, 2, 4, 6 and 8. Aap dekh sakte ho yahan last digit kaun se hai? Here 4, 6, 8, 0, 4, 2, 0 and 6. Okay, so this number divisible by 2. Now, second, divisibility by 3. A given number will
ओनली बी डिविजिबल बाय 3 इफ द टोटल ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब है कोई भी नंबर दिया हो तो वो नंबर का हमें क्या करना है, ऑल द टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। और जो टोटल मल्टीपल ऑफ 3 हो तो वो ही नंबर डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, हियर चेक वेदर द नंबर 623 एंड 2400 आर डिविजिबल बाय 3 और नॉट। चलो देखते हैं। फर्स्ट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 623 दैट इज 6 + 2 + 3, सो टोटल इज 11। 11 इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ 3 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 623 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, नाउ सेकेंड 2400, हियर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2400 दैट इज 2 + 4 + 0 + 0, सो टोटल इज 6 विच इज मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 × 2 = 6, सो 2400 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। हियर फर्स्ट 231, चलो रूल्स क्या है, जो भी नंबर दिया हो उसे हमें क्या करना है, टोटल करना है। ऑल नंबर को क्या करना है, टोटल, और टोटल चेक करना है जो मल्टीपल ऑफ 3 हो तो वो 3 के साथ डिविजिबल है। चलो देखते हैं, हियर 231, सो 2 + 3 + 1, सो टोटल इज 6। ओके, तो 6 3 के टेबल में आता है, मल्टीपल है बिकॉज 3 × 2 = 6, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नाउ सेकेंड 2046, सो 2 + 0 + 4 + 6, सो टोटल इज 12, और 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 × 4 = 12। ओके, सो दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 3। थर्ड 441, टोटल करो 4 + 4 + 1, सो 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 × 3 = 9, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 3312, चलो ये नंबर का टोटल करते हैं, 3 + 3 + 1 + 2, ओके, सो आंसर इज 9। 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 × 3 = 9, सो दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 681, चलो टोटल करो 6 + 8 + 1, तो टोटल इज 15। 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 × 5 = 15। नेक्स्ट, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 7323, सो टोटल 7 + 3 + 2 + 3 = 15। 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 × 5 = 15। सिमिलर 504, सो टोटल 5 + 0 + 4, सो टोटल इज 9। ओके, 9 इज मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 × 3 = 9। एंड लास्ट 72, सो टोटल 7 + 2 = 9, सो 9 इज मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 × 3 = 9। तो यहाँ ऑल द वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ डिविजिबल ऑफ 3। ओके, हियर ऑल द गिवन नंबर्स विल ओनली बी डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट विच इज द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, नाउ थर्ड डिविजिबिलिटी बाय 4, वी हैव टू चेक वेदर द लास्ट टू डिजिट, कौन से डिजिट, लास्ट टू डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट इफ
it is divisible by 4, then the whole number will be divisible by 4. Okay? Chalo, example, check the number 23,436 and 2,582 are divisible by 4 or not. चलो ये दो वैल्यू दी है हमें, ये दोनों वैल्यू 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं वो चेक करते हैं। चलो यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है, कोई भी नंबर के लास्ट के दो डिजिट चेक करने हैं, वो दो डिजिट जो 4 के साथ डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4। चलो देखते हैं, फर्स्ट द लास्ट टू डिजिट ऑफ 23,436 आर 36। आप देख सकते हो ये नंबर का लास्ट के दो डिजिट कौन से है, 36। ओके 36, तो आपको पता है कि 36 इज इजिली डिविजिबल बाई 4 बिकॉज 4 नाइन्स आर 36। ओके विच आर द डिविजिबल बाय 4, सो 23,436 इज डिविजिबल बाय 4, okay? Now, second example. The last two digit of 2582 are 82. Last ke do digit kaun se hai? 82. Which are not divisible by 4, okay? Because 4 to the 8, okay? Aur last mein kya raha? 2. To 82 which are not divisible by 4. So, 2582 is not divisible by 4. Okay, for example, first 572. चलो लास्ट के दो डिजिट कौन से हैं, 72. तो यहाँ देखो मैंने नीचे सॉल्यूशन दिया है, 72 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 वन जा 4, 7 माइनस 4 3, ऊपर से नीचे क्या आया 2, और 4 एट जा 32. ओके तो 0 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. सेकेंड 726352 के लास्ट दो डिजिट कौन से हैं, 52. ओके चलो चेक करते हैं, 52 डिवाइडेड बाय 4. ओके तो आप देख सकते हो इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं, सो आंसर इज 13. ओके तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. 726352 इज डिविजिबल बाय 4. थर्ड 5500. चलो लास्ट के दो डिजिट कौन से हैं, 00. ओके तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूरे वैल्यू पूरा वैल्यू ले लेंगे, सो 5500 डिवाइडेड बाय 4. ओके चलो तो आंसर आप चेक करो क्या होगा, हियर 4 वन जा 4, 5 माइनस 4 1, ऊपर से क्या आया 5, 4 थ्री जा 12, 15 माइनस 12 आंसर इज 3. ओके ऊपर से क्या नीचे आया 0, और 4 सेवन जा 28, 30 माइनस 28 2, ऊपर से क्या आया 0. ओके और 4 फाइव जा 20, सो आंसर इज 0 0. ओके सो आंसर क्या आया 1375. तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. नाउ नेक्स्ट 6000. ओके हियर 6000 डिवाइडेड बाय 4 हियर, सो आंसर इज 1500. देन नेक्स्ट 14516. ओके तो लास्ट के लास्ट दो नंबर कौन से हैं, 60 है. ओके तो 60 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर इज 15. तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके वैसे यहाँ भी 84 इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज 4 टू ज़ा 8. ओके एंड 4 वन ज़ा 4. ओके नेक्स्ट 7317950072. Here last two digit is 72 and 72 is divisible by 4. Okay, so this value is divisible by 4 and last 1700. So here 1700 divided by 4. So answer is 2,
4, 2, 5. Okay, so all number is divisible by 4. Okay, now 4th divisibility by 5. Any given number will be divisible by 5 if the last digit of that number is 0 or 5. This test is very easy. यहाँ आपको कुछ भी याद नहीं रखना है. ऐसा नंबर कि जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 और 5 हो, तो इजीली वो डिविजिबिलिटी बाय 5 है. ओके, फॉर एग्जांपल, चेक वेदर द नंबर्स 2348 एंड 6300 आर डिविजिबल बाय 5 और नॉट. ओके, अगेन वापस रिपीट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5. Any given numbers will be divisible by 5 if the last digit of that number is 0 and 5. Okay? कोई भी number का last digit क्या होना चाहिए? 0 and 5 हो, तो easily divisible by 5. Okay? चलो, देखते हैं. First, the last digit of 2348 is 8. Okay? So it is not divisible by 5 because condition क्या है, last digit क्या होने चाहिए, 0 और 5 होने चाहिए. Okay, now second, the last digit of 6300 is 0. Okay, so it is divisible by 5. Okay, for example here first 105, so last digit is 5. So it is divisible by 5. Here second 215, last digit is 5. It is also divisible 5. Third 6205. Okay, last digit is 5. So this value is divisible by 5. Next 3500, last digit is 0. Okay, so this value is divisible by 5. Fifth 45, okay, last is digit is 5. Okay, or 5 9 is 45. Okay, so 45 is divisible by 5. 6870, here last digit is 0, so this number is divisible by 5. Next 8995, here last digit is 5, so this number is divisible by 5. And last 2580, so here 0 is a last digit number, so this number is divisible by 5. So we can easily say that here all the numbers last digit of that number is 0 and 5, so this number divisible by 5. Thank you.